हम तुम्हारा व्लॉग बना देंगे, चल तू आगे चल मैं क्या पीछे चलूं। देव आजा फिर इधर से साइड से निकल भाई, ये रहा भाई इधर 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 इधर, इन्हें महान को लेके चलो। अब उधर कहाँ जा रहे हैं? इधर है तो बाहर निकल जाएगा ना जरा। तो पागल इंसान, इन्हें देखो इन्हें मेट्रो में बिठा दो भाई। पहली बार आयो, पहली बार आयो, मेरी गर्ल, मेरी गर्ल। पहली बार घंटा घंटा पहली बार आया, पता सता है नहीं। मुझे लगा वो वाली मतलब है। अच्छा दिल्ली में रहते हो कितने साल हो गए? तेरे को बताइए। जनकपुरी में थोड़ी रहते हैं। तो जनकपुरी में थोड़ी रहते हैं। अब बताइए जाना किधर है? हार के आसन आ चुके हैं। चप्पल नहीं संभाली जा रही है भाई, अद्दे बंदे से चप्पल। अब मैंने पैर किया वो चली गई नीचे। कह रहा हूँ कितना टाइम और लगेगा भाई? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में हम मिलेंगे आपको गोल मार्केट। बता कुछ खिलौने खरीद रहे हैं? रोड का स्टेशन है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। कितना दूर है अभी? वैसे ही गाइस आपको खाना पड़ेगा मंदिर मार्ग वाला सामने, ऐसे ही चलते रहेंगे इस रोड से। ये बस स्टैंड है तो आप बस से भी आ सकते हो, बट हमारे इधर से डायरेक्ट बस हमने मेट्रो से ही यहाँ पे आएगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने थोड़ा बड़ा आदमी बनने की कोशिश करी है मेट्रो में बैठ के। आ जाइए भाई, आ जाइए भाई, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अच्छा ये तो बता मेट्रो में बैठ के कैसा लगा जिंदगी में? पहली बार नहीं बैठा हूँ, गलती हो गई, पहली बार बैठा हूँ। हाँ भाई पहली बार बैठे हैं मेट्रो में। दिनों बाद आए हैं, भूल गया था जनकपुरी, बहुत दिनों बाद आया हूँ। आइडिया नहीं था, मुझे लगा ऊपर जाना है जो नीचे आ रही है। देख लो गाइस पुलिस स्टेशन, गलत कांड मत कर दो साले, गाड़ी खड़ी नहीं इधर क्या। यहाँ पे देख सकते हो आप NDMC का स्विमिंग पूल भी है, ये देखो ठीक है, ये जो देख रहे हो ना आप NDMC का स्विमिंग पूल है यहाँ पे, और ये अपना सामने स्कूल, और यहाँ से सीधा रोड जाता है इधर सीधा बिरला मंदिर। गाइस एक व्यू दिखा दूँगा आपको पीछे मेरे, देखो मंदिर भी आ गया है अपना गोरा उस तरफ बिरला मंदिर। ये अखिल भारत हिंदू महासभा से कोई वो है, ये सेंटर है ना, सेंटर टाइप हिंदू का वो ये अपना नवयुग स्कूल इस तरफ। सूरज भाई एरिया हमारे, सूरज भाई को थैंक यू बहुत, सूरज भाई ने हमारी वीडियो बनवाई आज। सूरज भाई कह रहे हम आगे भी बनवाएंगे ऐसी आपकी वीडियो। ये मुझे 10,000 दे रहा है एक वीडियो का, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा हूँ इससे। अभी मंदिर तो आ गए हैं मेरा, सूरज भाई को देखो यहाँ से सबवे बनाया हुआ है, पर वैन ये ना दिल्ली के वैन जो यहीं से जाना रोड क्रॉस करके साले यहीं से जा, कह रहा यहीं से चलो रोड पे से बीच में भाई, यहाँ सबवे बैठा इतना बड़ा वैन देख रहे बंदे को भाई। ये देखो भाई पारिवारिक कंटेंट है, इसे दूषित ना करें। तो
फिर सूरज भाई अपना थोड़ा फोटो शूट करते हुए। अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं, तो मंदिर के अंदर जाके आपको पूरी मंदिर की डिटेल्स और कैसे आना है, पहुंचना है, कैसे दर्शन करने हैं, सारी डिटेल्स हम देने वाले हैं, ठीक है सूरज। तो सूरज भाई अभी थोड़े सिनेमैटिक्स और रील्स रेडी कर रहे हैं हमारे लिए, अंदर चलते हैं, एक अच्छी जगह ढूंढते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं बिरला मंदिर के अंदर, ठीक है। मंदिर का व्यू दिखा दे भाई एक बार, ये रहा। सो एक मंदिर का व्यू है हमारा, ये वाला व्यू भी देख सकते हो आप, जो यहाँ पे वो है, क्या नाम है, पानी वानी चलता होगा इसमें, है ना, पानी वानी भी चलता होगा, नदी टाइप या फिर आप कह सकते हो घाट टाइप भी, ऐसा कुछ हो सकता है ये। और मैं सूरज भाई को बोलूंगा थोड़ा वाइड एंगल में शूट करे भाई। भाई बताओ तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। खैर मंदिर आए हैं, मंदिर में लगना क्या है, श्रद्धा होनी चाहिए। वेलकम बैक टू अवर चैनल, रोहन टोनी आ चुके एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो क्या है, बिरला मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर, जो कि मंदिर मार्ग नई दिल्ली में है। आज हम आए यहाँ पे ब्लॉग बनाने घूमने के लिए, और काफ़ी अच्छा मतलब नज़ारा है, व्यू भी है, काफ़ी प्यारा है यहाँ पे, और मंदिर की जो बनावट देख सकते हो आप भाई अमेजिंग। तो एंटिक पीस होते हैं हमारे, एंटिक प्लेसेस होते हैं बिल्कुल, जो इंडिया में हम कहते हैं। और दूसरी बात भाई, इस मंदिर तक आपको पहुंचना कैसे, सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है आपका राधा कृष्णन आश्रम, ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन है, अराउंड 1 किलोमीटर के अंदर आता है। और सामने ही इस मंदिर के बस स्टैंड भी है आपका, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर करके, और बहुत आसान है यहाँ पे पहुँचना, कोई भी रिक्शा लेके अगर मेट्रो से आप आना चाहते हो, नहीं तो आप वॉक करके भी आ सकते हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हम भी वॉक करके ही आए हैं, पालन से यहाँ तक आए हैं। फेयर लगा है 27, संडे का दिन था तो फेयर भी काफ़ी कम लगा। और मंदिर में आपको पूजा करने के लिए प्लेट्स भी मिल सकते हैं, जो हम लेते हैं ना अपनी थाली लेते हैं, वो भी मिल जाती है 50-50 रुपए की, तो वो आप चढ़ा सकते हो। और मंदिर के अंदर भाई बहुत कुछ सीखने के लिए और बहुत कुछ नॉलेज वाली चीज़ें भी दी हुई है। सो गाइस जो मंदिर के आप देखोगे ना यहाँ के, मैंने पहले बताया था वाइब तो है ही तगड़ी, साथ में आप यहाँ पे व्यू भी देखोगे ना तो वो भी भाई बहुत तगड़ा है, एक से एक आपको यहाँ पे अलग ही डिजाइनिंग मिलेगी, अलग ही यहाँ पे मतलब कहते हैं ना वो जो हमने आर्ट की हुई है, बहुत ही डिफरेंट लेवल की है। और आना तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कैसे आना है, और दूसरा जब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपका फोन और साथ में जो आपके शूज या फिर स्लीपर्स हैं और बैग्स, वो अलाउड नहीं होती है, ठीक है। तो आपको पे डिपॉजिट कराना पड़ेगा, या लोकर से आपको स्पेशली एक की भी दी जाएगी जिससे कि आपका सामान इधर उधर ना हो। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हम आ चुके हैं, सामने का व्यू देखो अमेजिंग, ये देखो। जैसा ये भी आप देख भी सकते हो, यहाँ बच्चों के लिए भी काफी अच्छी जगह है, ठीक है, जैसे अपना एंटरटेन कर सकते हैं, अगर आप पिकनिक करना चाहते हो वो भी मतलब छोटा मोटा यहाँ पे कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट मैं जगह देख के बता रहा हूँ, ठीक है, जगह ऐसी है, करने लायक है। और सूरज भाई अपने साथ, तो यहाँ भालू वालू ये देखो, बच्चे बच्चों की पूरी मौज है भाई यहाँ पे, भालू पे भालू चढ़ रहे हैं, भालू पे भालू चढ़ रहे हैं, तू समझा? हाँ बाबा वो देखो ये क्या है, राइनो। तो भाई जब यहाँ पे ना छोटे छोटे मंदिर देखो, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये देखो छोटे छोटे मतलब, और भी है यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है वैसे घूमने के लिए, पहाड़ों में पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को, कहाँ कहाँ से जाएगा, चल अबे वहाँ चलेंगे ना, उधर चलते हैं। अरे भाई ये बंदा है क्या, पता नहीं क्या है, यहाँ मेरे को एडवेंचर करवाने का है, अरे आ जा आ जा आ जा, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी हमारा दोस्त जतिन भी आ रहा है, हमारा एक तो मेरा पुराना दोस्त है वो भी, और ये भाई चले, भाई पता नहीं भाई आज क्या करवाएगा भाई, बंदा अलग ही जंगलों वंगलों में लेके जा रहा है मेरे को, ये क्या नहीं, क्या क्या मिलेगा, पता नहीं भाई किसके घर में लिया है, कहाँ जा रहा है साले, गए थे वहाँ पे पहले, ये बताओ शकल दिखाओ पहले, तुम शकल छिपा के बकरे। चक्कर में तो भाई अभी जतिन आ रहा है, वो देखो जतिन भाई हमारे,
फुल। ये अपने जतिन भाई आ गए, जूते देखो भाई, और भाई की जेंस। ये पहाड़गंज वाले भाई है अपने। बस भाई एक शॉट तो ले लो भाई के साथ, दोस्त आ रहा है यार। जतिन भाई बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है जतिन भाई से। और जतिन आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और भाई अरे यार, और हमारे बंदों का है तो बोल दो। तो ये यहाँ पे भटूरे की दुकान ढूंढते हुए, ये देखो 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 भाई, ये लेके आए हैं जतिन भाई सीताराम के छोले भटूरे। ये देखो मैं अपना घर चली जाएगा। बड़े महंगे छोले भटूरे, देखते हैं टेस्ट कैसा है, फिर आपका एक्सपीरियंस करके बताते हैं। भाई देखो, इन भाई ने इतनी जल्दबाजी दिखाई है। 100 रुपए का भाई ने 100 रुपए की चपत लगवा दी इन्होंने पहले। भाई को मैं कह रहा हूँ मेट्रो का कार्ड नंबर गलत डाल दिया तूने, लास्ट डिजिट 17 था 13 कर दिया। कह रहा नहीं नहीं हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, हो गया। तो 100 रुपए किसी और में पिलवा दिया, वहाँ जाके कह रहे हैं मेट्रो टॉप अप नहीं हो रहा। तो भाई ऐसा भी हो जाता है, खैर कोई नहीं, सही है। 200-500 का नहीं करा बात, तुम मुझे 10,000 सैलरी देगा ना तो उसमें से 100 रुपए काट देगा। देख रहे हो पैसा भाई, भाई के पास